जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज हम इस चौखट पर तब तक खड़े रहेंगे जब तक या तो माँ हमें स्वीकार नहीं कर लेती या तो फिर वो खुद इस दरवाजे को बंद नहीं कर देती। आप चांदनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। कब से देख रहा हूँ मैं वो लड़की उसी दहलीज के बाहर खड़ी हुई है। जाओ और जाकर बहू का स्वागत करो। हमने जिसे राज सोचा था ना वो कौन निकला? हमारा फटीचर अर्जुन। सोचा था इस राज की वजह से ना थोड़े दुख कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, लेकिन ये लौटा भी है तो ना दुखों के महासागर लेके। बेटा बहू को अंदर लेके जाओ। चले चांदनी, हमें खुशी है कि माँ ने हमारा स्वागत किया, पर तुम्हें लगता है माँ ने हमें दिल से एक्सेप्ट किया या फिर सिर्फ पापा के कहने पर? हमारा कंसर्न होना जायज है, पर ये सोचो अब तुम घर में आ गई हो, अब माँ तुम्हें रोज देखेंगी, तुमसे बात करेंगी, हमसे बात करेंगी, और धीरे धीरे देखना घर में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना सारी क्लियर हो जाएंगी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पति हैं? तो? हम तो बस इतना चाहते हैं कि हम तुम्हारी गोद में सर रखकर बस तुम्हें ही देखते रहे, बल्कि बंद भी हो ना तब भी तुम्हारा ही चेहरा हमारी आंखों के सामने रहना चाहिए। हमसे इतनी नफरत हो गई थी कि अपनी याददाश्त को ही दुश्मन बना लिया था, फिर तो हमारा चेहरा कभी याद नहीं आया होगा तुम्हें। एक बात बताएं चांदनी, पता है जब हम सब भुला चुके थे तब हमारे मन में एक धुंधली सी तस्वीर बनती थी, एक पायल की, एक चेहरे की, यूं मानो जैसे किसी ने हल्के हाथ से एक स्केच बनाया हो और उसे अधूरा ही छोड़ दिया हो। किसका चेहरा था कभी कुछ समझ में नहीं आता था, वो बार बार हमारे यादों की दहलीज पर आ जाता था मगर हमारे कभी करीब नहीं आता था। तब कैसे समझ पाते कि तुम हमारे दिल की गहराइयों में किस तरीके से समा गई हो। हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं चांदनी कनौजिया। चांदनी शर्मा, हम भी।
आई लव यू चांदनी। आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? जो मैं चाहती हूँ वही आप मुझसे छीन लेते हो। ये ख्वाहिश जो मेरे दिल में जगाई है आप ही ने लिखी थी ना मेरी किस्मत में, तो फिर अब क्यों उसे मुझसे इतना दूर कर रहे हो आप? क्यों? दो साल पहले जब मैंने इंटरव्यू दिया तो आपने मुझे देखकर ही समझ लिया कि मैं कितनी डरी हुई हूं और मेरे सर्टिफिकेट देखे बिना ही मुझे जॉब ऑफर कर दी। माया को अंदर भेज दो। ओके सर। माया ओबेरॉय। या गुड लक फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू। आई रियली need one। So are you okay? Yes, sir. If you want, you can have a glass of water. Thank you, sir. It's okay. You don't need to worry. Are you sure? Like, अगर आपको कोई problem है तो आप share कर सकती हैं। और life में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो समय कुछ समझी नहीं। सी व्हाट आई मीन इज एक काम करता हूं, मैं आपको अपनी तीन प्रॉब्लम्स बताता हूं। प्रॉब्लम नंबर वन, मैं कितने महीने से हॉस्पिटल में था ये मुझे भी नहीं पता। अभी अभी डिस्चार्ज हुआ दो हफ्ते पहले। हाँ, प्रॉब्लम नंबर टू, मैं अपनी मॉम, डैड, अपनी बहन का चेहरा भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था पिछले एक हफ्ते तक। कैन यू इमेजिन? प्रॉब्लम नंबर थ्री, मैं पिछले एक हफ्ते से इस ऑफिस में आने लगा, सारी चीजों को मैं नए तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ। I mean, let's not get there. Sounds crazy, right? But just imagine, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्या किसी के लिए? Sir, I can understand कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। लेकिन सर, क्या है कि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप शेखावत इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, मिस्टर राज शेखावत। सर, मैं माया ओबेरॉय एक मिडिल क्लास फैमिली से दिल्ली आई हुई वो लड़की जो पिछले 8 महीने से नौकरी ढूंढ रही है और हर तरफ से सिर्फ रिजेक्शंस मिल रहे हैं। ये मेरा लास्ट चांस है। अगर हफ्ते भर के अंदर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है वापस जाने के सिवाय। मेरी जो Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।